नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 4 जनवरी को क्या होगा? क्या सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक में रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि किसानों ने अपना इरादा जता दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक 3 कृषि कानूनों की वापसी और MSP गारंटी कानून नहीं लाया जाएगा, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसको लेकर के अलग अलग चेतावनियां जारी की गई है। स्वराज इंडिया के जो संयोजक हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा है कि हम शाहजहाँपुर जो बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान का, वहाँ से किसानों को दिल्ली कुछ करने को कहेंगे। इसके अलावा जो राजमार्ग पे वो ट्रैक्टर मार्क निकाला जाएगा, ये युद्धवीर सिंह है, वो कह रहे हैं कि 6 मार्च को जो है हम ये काम कर देंगे। एक चेतावनी ये दी गई है कि हरियाणा में मॉल जो है और जो पेट्रोल पंप है उनको फ्री कर दिया जाएगा। यानी अपने आंदोलन को तेज करेंगे और उसमें फिर ये नहीं देखेंगे कि क्या वैध है और क्या अवैध है। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने है, वो किन परिस्थितियों से और कैसे निपटने को तैयार है? क्या वो कानून को वापस ले लेगी? अभी तक जो सरकार का रुख रहा है, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया था, उससे एकदम साफ है कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। हालिया जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि PTI एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, उसमें उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या 4 जनवरी को कोई रास्ता निकल जाएगा, किसान कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, उसे वो तेज करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। पिछली मीटिंग जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और उम्मीद करते हैं कि 4 जनवरी को अच्छे माहौल में मीटिंग होगी और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। मतलब एकदम साफ है, सरकार 3 कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि उन किसानों का क्या, जो बहुत सारे किसान इस कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ कुछ किसानों के विरोध करने से हम ये बात कैसे मान लें, एक बात। दूसरी बात ये कि जिन जिन पे आपको आपत्ति है, क्लॉज वाइज जब हम डिस्कस करने को तैयार हैं तो आप अपना ऑब्जेक्शन बताइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। ये सरकार सीधे बोले या ना बोले, लेकिन उसकी मंशा यही है। अब देखना ये है कि दोनों पक्ष यदि अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, चाहे वो किसान हो और चाहे सरकार हो, तो फिर सलूशन कैसे निकलेगा? कब तक इस कड़ाके की सर्दी में किसान सीमा पे बैठे रहेंगे और दिल्लीवासी और जो NCR के लोग हैं वो परेशान होते रहेंगे? दिल्ली में ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, आना जाना यदि दूसरे रास्तों से है तो उस पर जाम लग रहा है, ये कब तक चलेगा? और फिर ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा कि जिसको भी अपनी मांगे मनवाना है वो जो है रास्ता जाम कर दे, मांगे मान ली जाएगी। तो सरकार को इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच तो रखना ही होगा कि समाधान क्या हो। पिछली मीटिंग में सरकार जो है उसने एक कमेटी गठन का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार किसानों ने नकार दिया था। अब ये किसानों को सोचना है, सरकार को सोचना है कि रास्ता निकले, क्योंकि उनकी वजह से जो है बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, और किसान जो है इस सर्दी में जो है सीमा पे डटे हुए हैं, लगातार किसानों की मौत की खबरें आ रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस पूरे जो डेवलपमेंट है, जो प्रकरण चल रहा है, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।